मैं हूं शमा नहीद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नहीद वॉइस। दोस्तों, रमजान शरीफ में बंदे अल्लाह का जिक्र करते हैं, उसकी तस्बीह बयान करते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों ने मस्जिद नबी में जाकर एक गिरी हुई हरकत की है। अरे, उन्होंने इस मुकद्दस जगह पर जाकर अपोजिशन के खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए और काफी ठीक ठाक नारेबाजी की। यार ठीक है, मुखालफत अपनी जगह, लेकिन कोई खुदा का खौफ करो, मस्जिद में खड़े होकर नारे मार रहे हो। यार ये कौन सा तरीका है किसी की इसलाह करने का? अरे भाई, पाकिस्तान में धरने हो रहे हैं, वहाँ जाकर जो मर्जी करो, चीहो, चलाओ, नारे मारो, फड्डे डालो, पर मस्जिद नबी का एहतराम करो, उस मकाम के तकद्दस की आनर, एडमिरेशन और रिस्पेक्ट करो। यार ये वो पाक जगह है जहाँ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम लिव करते थे, स्टे करते थे, रहते थे। तुम उस मुकद्दस जगह पर अपनी पॉलिटिक्स और सियासत लेकर घुस गए हो। अरे अल्लाह आपको अकल और मत दे और साथ सूझबूझ भी दे। चलो वहाँ पर नारेबाजी करना और अपनी पॉलिटिक्स घुसाना मस्जिद नबी की बेहुर्मती है और ये बिल्कुल किसी से बर्दाश्त नहीं होता। बाकी रही बात मरियम बाजी और शहबाज शरीफ की, उनको तो तुम्हारे इन नारों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनको तो लोग 3-4 साल से चोर चोर कह रहे हैं, बल्कि लोगों ने तो लंदन नवाज शरीफ के दरवाजे के सामने खड़े होकर चोर चोर और बहुत कुछ बोला। अरे भाई, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस पाकिस्तानियों, आपने मस्जिद नबी में ये गिरी हुई हरकत करके अपना इमेज खराब कर लिया है, गंदा कर लिया है। अरे मैंने तो सुना है कि नारे मारने वालों को सऊदी गवर्नमेंट ने पकड़ लिया है, उनको 60,000 रियाल जुर्माना, 5 साल की कैद और वीजे पर बैन लगा दिया है कि वे पूरी जिंदगी सऊदी अरब का वीजा नहीं ले सकते, और जो अभी तक पकड़े नहीं गए वो सीसीटीवी कैमरा फुटेज के जरिए ट्रेस हो रहे हैं। मैंने तो यही सुना है, पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है। अरे मैं तो कहूंगी नारे मारने वालों, अब हजमोला खाओ और इन नारों को हजम करो। अरे भाई, हमने तो आज तक नहीं सुना था कि मस्जिद नबी में कोई अपनी पॉलिटिक्स और सियासत लेकर घुसा हो। अरे इस तरह की मस्जिद नबी में सियासी खप मचाना इंतहाई काबिले मजम्मत और बायसे शर्म है। दोस्तों, मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तानियों के हाल पर रहम करें, उन्हें अकल मत और सोच समझ दे और आइंदा के बाद ये ऐसा काम ना करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और प्लीज मेरे दूसरे चैनल नहीद व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वहाँ आपको मेरे इंटरटेनमेंट से भरपूर व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह नगेबान।